بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بنی اسرائیل سے متعلق تفصیلات گزری تھیں. بنی اسرائیل کا مطلب تھا مسلمانوں سے متعلق. اولاد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ بنی اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے. آپ کو دونوں ناموں سے کلام پاک میں ذکر ہے, یعقوب اور بنی اور یعقوب اور اسرائیل. بنی کے معنی اولاد, جس کو ہم آج کہتے ہیں یہودی. یہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر چلنے والے, اللہ کی مقدس کتاب توریت پر, تورات توریت دونوں صحیح تلفظ ہے. تورات عربی لفظ, عبرانی لفظ ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں, کتاب اللہ یعنی قرآن مجید, اللہ نے جو نازل فرمایا تھا ان کے لیے. اس قوم کے اوپر اب اس معنی کو ادھر نیچے اتارتے ہوئے, یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کے اوپر ایک طویل زمانہ جس میں صدیاں گزر گئے, پانچ دس پچیس پچاس سال نہیں. دو سو تا تین سو سال کی مدت کے درمیان میں اس قوم کے اوپر جہاں پر یہ رہتے بستے تھے وہ تفصیلات گزرے. ملک مصر کا علاقہ تھا, یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے منتقل ہونے کی ایک وجہ بنی تھی. پیغمبر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو کئی مرحلے سے گزرتے ہوئے بالآخر آپ کی قیام گاہ ہو گئی تھی مصر, مملکت مصر کے اوپر سرکاری سطح پر وزارت خزانہ یعنی فائنانس منسٹری کے اوپر بھی آپ فائز تھے. مصر کے اطراف و اکناف, ملک شام بشمول فلسطین وغیرہ سب فخر و فاقے کی وجہ سے, رزق کی کمی اور تنگی کی وجہ سے منتقل ہوتے رہے تھے. اب تو خود پیغمبر یعقوب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خود تھے تو دھیرے دھیرے مستقل طور پر اپنا وطن, اپنا ملک, ملک شام کو چھوڑ کر منتقل ہو گئے تھے. حکومت پر فائز ہونے والوں میں سے ایک ایسا شخص بھی فائز ہوا جس کے نام کے متعلق قابوس یا اور نام ولید کے نام سے ہے, جس کو فرعون سے زمانہ آج بھی جانتا ہے. فرعون کوئی خاص شخص کا نام نہیں,
ममलकत मिस्र के ऊपर जो कायम रहता था, बादशाह होता था, उसको फिरौन कहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन अलग है, वो ऐसा नहीं था। इसके बाद ममलकत पर फायज होने वाला इस किस्म का सख्त मिजाज, तंग जहन, जुल्म ज़्यादती वाला पहलू, उसने ये बड़ी तादाद जो मुसलमानों की थी, हज़ारों की तादाद में थी, इन्हें मुल्क का दर्जा सबसे आखिरी और छोटा निचले दर्जे में इनको शामिल करते हुए सारी ममलकत के लिए इस कौम को ग़ुलामी के जितने अक्साम हो सकते हैं उसके साथ मुख्तस कर दिया था। मामूली मामूली ख़ता के ऊपर भी, नाफरमानी पर जो उसके क़ानून के मुताबिक समझी जाती थी, सज़ाएँ सख्त से सख्त देता। इस कौम के इस नतीजे में हज़ारों 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 अफराद का कत्ल भी हुआ। ये तफसीलात पूरी गुजरे, यहाँ एक नतीजा था, इसलिए फिर इंतहा इख्तसार के साथ ये यादा। उन तफसीलात को इसी उन्वान से सुनाया अल्लाह ताला ने कि दुनिया के अंदर इनको कमज़ोर दुनिया वालों ने बनाया मुसलमानों को, दर्जे में नीचा किया, कौमी एतबार से निचली सतह पे उतार दिया। चंद साल की बात नहीं, सैकड़ों साल की बात हो गई। अल्लाह ताला का अब अल्लाह का नाम लेने वाले, ईमान पर कायम रहने वालों की मदद करने के जो वादे ऐलानात हैं अल्लाह के, अब उनको कैसे हालात में तब्दीली पैदा किया। ना सिर्फ तब्दीली पैदा किया, मुखालिफिन के तमाम की तमाम जड़ों को ख़त्म कर दिया, बल्कि हलाक को बर्बाद कर दिया। ये तफसीलात भी गुजरे ऊपर की आयतों तक, लेकिन एकदम भी नहीं। नाफरमानों को भी ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला बड़ी तवील मोहलत देते हैं, जिसके नतीजे में नौ मोजज़ात का जिक्र है एक तवील ज़माने तक, ये बताकर कि ये प्याम खुदाबंदी है, इंसान को इंसानियत की बुनियाद के ऊपर कायम और बाकी रहना है। ये मोहलत देने के बावजूद भी ये सुधरे नहीं, संभले नहीं। अल्लाह ताला के सुधारने और मोहलत देने के कई पहलू हैं, दुनियावी एतबार से कई मसाइल में मुब्तला फरमाते हैं ताकि अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाए, हक़ को समझे, फिर भी नहीं समझा तो लौटा दिए। आम शिकायत और शकवा बनी इसराइल को, जिसको हम आज के माहौल में इसको दर्जे में उतार कर कहेंगे मुसलमानों को, दुनिया वालों, दुनिया की कौमें, दुनिया की हुकूमतें, दुनिया के पार्टियां, इनसे शिकायत और शिकवे, ये सख्त गिर हैं, ये फुलाँ हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हमारा क्या कसूर है? सिर्फ ये कि हमको हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक जानते हैं, समझते हैं, इसके अलावा नफ़रत और मुखालिफत की वजह क्या है? कुछ भी तो नहीं कि ज़माना और ज़माने वाले मुखालिफ और दुश्मन क्यों? ये आज भी सवाल है, ये आज भी कम उमेश जिस इंसान के अंदर जैसी इस्तेदाद और सलाहियत है, भले वो ज़बान से ना कहता हो, समझता तो है, सोचने की कोशिश तो करता है, और समझना भी है, सोचने की कोशिश करना है। नतीजा और हल निकालने की कोशिश किए तो एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं,
कि अल्लाह ताला के हुक्म व इत्तेबा के ऊपर पूरी तरह कायम और बाकी नहीं है। जीने का, रहने का, उठने बैठने का, खाने पीने का हर तज बता कर सिर्फ ये मानो कि अल्लाह ताला की जानिब से तुम अल्लाह के हो। कायनात के हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। वो हेर फेर अगरचे कि इसमें बंदों के आमाल का दखल है, उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला फरमाते चलते हैं। अल्लाह ताला ने सारी रुकावटें दूर कर दी, अब तुम्हारे लिए माहौल बालफाज दीगर तुम ही तुम हो। वो मुखालिफ नज़रें तुम पर अब नहीं रही, तुम्हारे खिलाफ में चलने और चलाने वाले तदाबीर वो भी बाकी नहीं रहे। जब तुम ही तुम हो तो फिर नाशायस्ता हरकत की तरफ तुम उतर गए। ये पहलू आज के इसमें वाक़ सुनाना मकसद कुरान का है ही नहीं। सिरात अल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम का तरीक़ा है क्या? किसने समझा, किसने नहीं समझा, इसमें खराबियाँ किसने पैदा किया? पूरा कुरान तफसील वजाहत सिर्फ पूरा तरतीब से जोड़ कर किसी चीज़ को छोड़े बगैर पूरा पढ़कर समझकर फिर पलट कर आने के बाद क्या खुलासा, तो सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा ही निकलता है। फिर सूरह फातिहा की वजाहत क्या है तफसील, तो फिर अलिफ लाम मीम से लेकर ख़त्म कुरान तक पढ़ने के बाद फिर नतीजा निकालने पर सिर्फ तफसीर है सूरह फातिहा की। सारे अहादीस शरीफा भी इसी की वजाहत और तफसील है। स्टोरी, कहानी, किस्सा सुनाना नहीं है मकसद। इस जैसे इनामात भी मौजूद है, हम सोचे गौर करें कुदरत ने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। सीना ब सीना चले आ रही है तारीख, सोचे तो समझ में भी आएगा। कलम ने लिख भी दिया है, किताबें कलम बंद भी हैं, वक्तन फोक्तन कई शक्लों से आती भी हैं, फिर क्या क्या और क्या तुमने बीसों पुराने आसार आसार कदीमा के उन्वान से तामीरी शक्ल में, चीज़ों की शक्ल में, किस्सों की शक्ल में सब कुछ मौजूद भी है जो तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीख को बतलाते हैं, जिनको तुम कहते हो आज भी कह देते हैं हमने भी हुकूमत किया, हमने भी फलां किया, हालांकि तुमने किया इस नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बाप दादाओं के उसको देखकर उसी का नाम लेते हैं। तो गया तुम अपने बाप दादाओं के उन तरीक़ों के ऊपर कायम भी नहीं रहे, उनके नाम की नस्बत लेकर सिर्फ ज़बान से कहना, सीना तना देना बस इतना ही काफ़ी समझा। वो जावजना भी बनी इसराइल अलबहरा, बचाने के तरीक़ों में से इस वाक़े की तफसील कई पहलुओं से गुजरी है, अगले पारों में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ आने वाली है। अल्लाह अपने दुश्मन को, अल्लाह का नाम लेने वालों का जो दुश्मन है अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा दुश्मन है। अल्लाह ताला के का ईमान यकीन, उसका नाम लेने वाले यानी उसके बताए तरीक़े को इख्तियार करने वाले, उसके लिए सब्र इख्तियार करने वाले, मुसीबत को मुसीबत समझकर, आजमाइश खुदाबंदी समझकर उस पर जमे रहने वाले, उसका हल अल्लाह ताला से तलाश करने वाले, हल तलाश करने के लिए जो तरीक़े बताएं अल्लाह ताला उसको इख्तियार करने वाले। तो हमने बिलाआख़िर बनी इसराइल को पार करवा दिया समंदर। एक ही चीज़ दुनिया में होती है, एक ही चीज़, कुरान भी एक ही है। इसी कुरानी तालीमात के ऊपर किसी को हिदायत है, किसी को गुमराही है, किसी को शक व शुबा है। जो जो वजाहत करते जाओ, हर शक को शुबे वाला, निफाक वाला, मजीद शकों को शुबा, तो उसके बढ़ते चलते हैं।
نافرمان مخالف کی مخالفت میں اور سختی پیدا ہوتے چلتی ہے, اور ایمان سے جڑنے والے فکر رکھنے والے کے لیے ایمان میں اور پختگی پیدا ہوتی رہتی ہے, تو چیزیں کچھ ہوتی ہیں. اس سے جڑنے والے طریقے میں انسان تقسیم ہوتے رہتا ہے. تو ہم نے بنی اسرائیل کو پار کروا دیا سمندر, وہ ایک ہی سمندر تھا, اسی میں پار ہو رہے تھے. اللہ نے جن کو بچانے کا ارادہ کیا اسی سے پار کروا کر نجات دلا دیا, ان کا پیچھا کروانے کے عنوان سے ان تمام کو غرق بھی کر دیا. یہ بچانا اور ہلاک کرنا یہ ایک نمونہ ہے. کئی نمونے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پیش کر دیے گئے ان کے قوموں کے حالات کو ذکر کر کر. تو ہم نے بنی اسرائیل کو اس سمندر پار کروا دیا, اسی سمندر میں دوسروں کو ڈبو بھی دیا. سمندر پار کر کر مصر ہی کا حصہ ہے, سمندر کے پار بحر قلزم, بحر قلزم سے اب سمندر کی پٹی پر سہارا میں چلے چلے رہنا کہاں ہے, ٹھہرنا کہاں ہے. نجات دلانے والا ٹھہرایا, طریقے بتایا کہاں رہنا ہے, رکھا بھی, کھانے نہیں انتظامات فرمایا, پینے نہیں انتظامات فرمایا, منو سلوا کی شکل میں عطا فرمایا, پانی کے لیے معجزے کی شکل پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے چھوٹے پتھر پر اللہ کا نام لے کر اس پہ ڈنڈا مارنے پر نہریں ایک نہیں 12 کنالے نکل پڑتے ہیں. جو پانی روکنے کے عنوان سے اللہ کا حکم تھا, اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر جب ڈنڈا مارتے ہر مہر ہر ایک کنال نہر بندی ہو جاتی. صرف نفع اور فائدے کے لیے کام کرتے رہی. اب یہ غیر مہذبانہ خیال, غیر شائستہ حرکت مسلمانوں نے کیا کی, اس کے بعد کیا کیا تھا اس کا ذکر ہے. بالآخر ان کا گزر ہوا, جب چل رہے تھے جاتے گزرتے گزرتے ایک بستی پر سے ہوا. دنیا کے نقشے میں بستیوں کے نام بدلتے رہتے ہیں, زمین کا حصہ تو وہی رہتا ہے. وہی بستی تھی تو خطیت سے بتا بھی سکتے ہیں. بتانے والوں نے یا وہ بستی تھی یا وہ بستی تھی یا وہ بستی تھی, یا ہے تو پھر نام لے کر کیا فائدہ ہوا. پھر قرآن کو چونکہ بستی کا تعین کر کے بتانا مقصد نہیں ہے, وہاں پر ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا, پوجا پاٹھ میں مصروف تھے, پوجا پاٹھ میں مصروف تھے. بڑا مندر کے بت تھے. اب ان کو اطمینان و سکون کی سانس ملی, عبادت کا ایک طریقہ بتوں کو رکھ کر 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 جو کر رہے تھے ان قوم کی نظر پڑی, جبکہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں موجود ہیں. یعکفون علی اصنام, اسی عقف سے اعتکاف ہے, کسی چیز میں پوری طرح منہمک ہو جانا. وہ اس طرح پوجا پاٹھ کے اندر ان بتوں کے اوپر عبادت کا مفہوم جان کر سمجھ کر یا عقیدہ رکھ کر پوری طرح جڑے ہوئے تھے. یعنی بنی اسرائیل میں, یعنی مسلمانوں میں. اب یہ خیال پیدا ہوا, قالوا, پیغمبر موسیٰ سے فرمائے, اجعل لنا الہن کما لهم آلہۃ, اے پیغمبر ہم کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک ایسا ہی معبود جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں نا, اس کو معبود کا درجہ دے کر آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجیے.
ये सिर्फ तर्जुमा करती है, वजाहत बड़ी तवील जायजा लेने के ऊपर। चलिए फला मुकाम पर लोगों ने बात मशहूर कर दी या हो गया, या किसी को चंद चीज़ें उसको हासिल होने वाले फवायद महसूस हुए जो कुदरत की आजमाइश तरफ से किसी मकाम को मुतबरिक समझकर सब उसी के तरफ चल पड़े, उसी पर गिर पड़े, उसी पर झुक पड़े, चाहे वो मकाम किसी भी शक्ल में हो, दरख्त की शक्ल में हो, पहाड़ की शक्ल में हो, खबर की शक्ल में हो, इंसान जिंदा इंसान की शक्ल में हो, मुर्दा इंसान की शक्ल में हो। वो शक्लें अपनी जगह अपनी हकीकत वजूद के ऊपर हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का एक हिस्सा है वो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह के कामों में शरीक नहीं है। अल्लाह के इनामात के साथ वो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, उसमें दो राय भी नहीं, कोई इनकार भी नहीं। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? क्या कभी कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ? क्या कभी कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा समझो? लेकिन उनके कौम जुड़ी हुई कौम ने अल्लाह का दर्जा दे दिया, उनके कौम ने दे दिया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों ने कह दिया। जब मानने वाले तो गए मुसलमान हुए। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के नबी थे उनको अल्लाह का नाम दे दिया, अल्लाह का फर्जंद करार दे दिया। पैगंबर ने समझाया, पैगंबर मौजूद है तो वजाहत हो जाती है। पैगंबर भी पैगंबरी ऊंचा मकाम सबसे बड़ा दर्जा होने के बावजूद भी हर पैगंबर है तो बशर, लेकिन अब आम बशर के जैसा नहीं। इंसानों में से फिर उसके अंदर एक ताकत कुव्वत सलाहियत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं उधर से लेने के लिए, एक ख़ास कैफियत तरबियत उनमें होती है जो उधर से हासिल करने की कैफियत होना। बहसियत बशरियत हासिल नहीं कर सकते, बशरियत वाली कैफियत में एक उलूवी कैफियत कहते हैं, ऊंची वाली कैफियत, उससे लेते वक्त पर एक राबिता अलग कैफियत पैदा करते हैं अल्लाह ताला। और उधर से देने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम में बशरी कैफियत जैसी उनमें पैदा करते हैं ताकि ये कबूल कर सकें। वो एक अलग तवील तफसील है। तो पैगंबर ने कहा कि इन्नकुम कौमुन तजहलून, बड़े नादान कौम हो जी तुम, जिसको हम उर्दू में कह देंगे बड़ी जाहिल कौम। जाहिल कोई गाली वाली नहीं, जाहिल के माने ना वाकिफ, ना दान, यानी हकीकत का पता ना रखने वाले, बड़ी नादान कौम। जानने वाले को जब जाहिल कहते हैं तो उसके लिए गाली लगती है, बड़ी नादान कौम हो तुम। जिस तरह इशारा करके तुम कह रहे हो इस जैसा खुदा होना, तो पैगंबर ने फरमाया कि ये जो कुछ है ना, ये सब कुछ हलाक होने वाले, टुकड़े टुकड़े होने वाले, बर्बाद होने वाले, अपना वजूद खुद मनवा नहीं सकते ये, तो फिर माबूद कैसे हो सकते हैं, खुदा कैसे हो सकते हैं? वातिल मा कानु यामलून, ये जो तरीक़ों को देखकर तुम मुतासिर हो रहे हो, ये सब कुछ बातिल तरीक़े हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं। इन तमाम चीज़ों से उठकर गौर करो। पैगंबर ने फिर अपने कौम को संभाला, खाला आ आ अलग करीमा गैर अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अबगीकुम मैं तलाश करूं? माबूद अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद? वो अल्लाह ताला है, ऐ बनी इसराइल
तुम्हारे सामने मौजूद भी हैं चीज़ें जिसने तुमको फजीलत दी, मेहरबानी फरमाई खूब, इतने बड़े दुश्मन से नजात दिलाई। खाने को नहीं तो आसमान से खाने का इंतज़ाम किया, पीने को नहीं तो आसमान से पीने का इंतज़ाम किया, रहने के लिए तामीर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सख्त गर्मा में भी हमेशा धूप के वक़्त पर तुम्हारे लिए साए का इंतज़ाम किया। उस वक्त की दुनिया में, सारी दुनिया में जितनी कौमें थीं, मजमू एतबार से गौर करो, सारी दुनिया के कौमें रहने बसने वाले इंसानों से बढ़कर खुसूसी रहमत अल्लाह ताला ने तुम पर फरमाई। और फिर अल्लाह ताला की इताअत इबादत के बारे में किसी और को लाना चाहते हो तुम, उनमें से सबसे बड़ा मेहरबानी तुम्हारे साथ ये भी थी कि तमाम फिरौनियों यानी सख्त गिर मिजाज रखने वालों से ऐसी सख्त मिजाज कि जो तुमको इंतहाई सख्त से सख्त अजाब के अंदर मुब्तला क्या करते थे ज़िंदगी के हर पहलू में, और इंतहाई यहाँ तक भी करते थे कि तुम्हारे मर्द बच्चों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारे से पैदा होने वाली औरत बच्चों को ज़िंदा छोड़ते थे ताकि एक तरीक़े से तुम्हारी रसवाई भी हो, दूसरे तरीक़े से उस कौम की खिदमत इन लोगों से ली जा सके। ये सारे के सारे मरहलों में तुम पर बहुत बड़ी मुसीबतें थीं, ये सारे इनामात किए। इस तफसील से मुसलमान को भी सोचना है। उसके बाद भी कई मरहलों में पैगंबर गुजरे अलैहिस्सलाम, जिसके चंद नमूने भी पेश किए गए। फिर ज़लालत और गुमराही आम हुई, दुनिया को उससे निकलना बड़ा इंतहाई दुश्वार था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से निकलने के लिए जद्दोजहद के जो तरीक़े थे, दुनिया में जो आने वाली रुकावटें मसाए, अमली तौर पर ख़ुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी उसमें मुब्तला किया अल्लाह ताला ने, उनके मानने वालों को भी ये किया। तो हक़ को समझने, हक़ के ऊपर कायम रहने के लिए कुछ कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत की, जद्दोजहद की। जब इस रास्ते में चल पड़ते हैं तो कई रुकावटें आती हैं, क्या इनसे घबरा कर तुम अपने माबूद हकीक़ी को छोड़ दोगे, उसके बताए तरीक़े से हट जाओगे, गलत अकीदा कायम कर लोगे? अगर कर लोगे तो उनमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो जब इनको इबादत का तसव्वुर में मुतालबा, तो सही एतबार से इबादत के उन्वान से इन्होंने मुतालबा किया था, मुतालबा गलत था, मकसद अल्लाह ही को मानने का था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इताअत और फरमाबरदारी के लिए, ये उस वक्त की बातें जब के तौरात अभी नाजिल नहीं हुई थी, अब तलब हो गई दीन हक़ पर कायम रहना कैसे चाहिए। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को सारी कौम को ऐलान करके निकलो, गुलाम खाम पर आओ, मैं अपनी मुक़दस किताब तौरात अता करता हूँ, इंसानों के इंसान बनकर रहने के तरीक़े, तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने का हर पहलू उसमें वजाहत के साथ मैं खुद जिक्र कर देता हूँ। तो तौरात को ना देने के लिए अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा अख्तियार किया, वो तरीक़ा उस तरीक़े में बिलवासा मुसलमान के लिए भी, तो अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहने और उसका असर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए, जो किताब ले लिया, ख़रीद लिया, ला लिया या तोहफे में मिल गई, रख लिया या तर्जुमा पढ़ लिया, हो गया, इससे कुछ होने वाला नहीं, मगर ये करना भी, इसको छोड़ना भी नहीं। उसके पीछे एक प्रैक्टिकल लाइफ है, अमली ज़िंदगी है। उस फिक्र के साथ जब लगने के बाद फिर जब पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ जो दिल की गहराई में सारी कैफियतों को लाकर दिल और दिमाग का हिस्सा बनती है। अब खलबी रूहानी एतबार से बंदे का ताल्लुक और जोड़ अपने रब के साथ होता है।
इसलिए इताअत व इबादत, नमाज, रोज़े, ज़कात, खैरात, फलां फलां रस्मी तौर पर करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। रस्मी तौर पर करने से सिर्फ ये होने वाला है, दूसरे देखने वाले को, अरे ये नमाजी है, ये रोज़ेदार है, ये सखी है, ये खैरात करता है, ये दुनियावी एतबार से इतना तो मकसद समझ में आ जाता है, ये ज़ाहिर एतबार से, मानवीय हकीकी एतबार से इससे जुड़ने का एक ख़ास किस्म का राबिता है। यह राबिता उस कौम को अल्लाह ताला खुद पैगंबर से शुरू करते हैं, उसका जिक्र कर कर बनी इसराइल यानी हर इंसान को यानी हर मुसलमान को इस्लामियत पे बाकी कैसे रहा जा सकता है। जब आसानी के साथ जो बात है उसको तो दीन समझकर आगे कर लिया, और दीन वाले मामले में ज़र्री मशक्क़त आ गई तो अपने आप को आगे और पीछे कर दिया। तो अब अगली ऐसी तफसील आ रही है, पहले कलामों पैगंबरी के लियाकत, सलाहियत, इस्तेदाद सब कुछ पैदा करने के बावजूद भी अल्लाह के कलाम को हम ये लिए क्या, अल्लाह का कलाम ये लेना मुराद नहीं है, इस कलाम के इस अल्फाज के साथ माना माना की हकीकत को लेना और इस हकीकत को दूसरे इंसान के दिल और कल्ब उसके अमल का हिस्सा बनाना, तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को सूरह बकरा में गुजरा सिर्फ इत्ता वावादना मूसा अरबाइना लैला, 40 दिन और रात, 40 दिन मुकम्मल अल्लाह ताला ने आपको रोज़े रखवाए। वहाँ खुलासा जिक्र था, वो खुलासे की तफसील यहाँ पर मौजूद है। पहले 30 का हुक्म दिए, फिर 10 इजाफा फरमाए, 10 इजाफा फरमाए, फिर वो तकमील के बाद पूरी तरह कल्ब को, दिमाग को अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी में जोड़ने के बाद फिर वो रूहानी कैफियतें कबूल करने की इस्तेदाद, सलाहियत ज़्यादा इजाफा फरमा कर फिर अल्लाह ताला की किताब तौरात आपको अता फरमाया। फिर उसके बाद पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनके कौम को फिर ताकीद फरमाई, सबसे पहले हुक्म पैगंबर को, उसके बाद आपकी उम्मत को, और इसी तरीक़े को हम मुसलमानों के लिए आखिर जमां पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से माहे रमज़ान वही हकीकत को दोहराने के लिए आता है। साल भर जो सुस्ती और काहली पैदा होते चली है, फिर ईमान में तजदीद करते हुए ईमान के हकीकत को समझने समझाने के लिए बिल्कुल वही नमूना है उसका। तो अगली कई आयतों तक इसकी हकीकत को समझा कर बिलवास्ता इस उम्मत के अफराद को इस कुरान के साथ जुड़ने और जोड़ कैसा पैदा होता है पैदा करने के लिए ये नमूना सिखाना, सबक सिखाना मकसद है जो अगली आयत आएगा। सुभान अल्लाह।